हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हुआ है 5 बज, जैसा कि आज गुरुवार था तो भगवान की पूजा हो चुकी है और सबसे सही काम शुरू दिन करने का यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि भगवान की पूजा होनी चाहिए। हे गाइस, अभी हम आए हैं ट्रांसपोर्ट नगर में और बहुत सारी गड़बड़ हो गई, सारा पोपट हो गया हमारा, पूरी रास्ते में चप्पल टूट गई और वैसे भी पैर में लगी है तो नई चप्पल लेनी पड़ी इमीडिएटली। ये देखो, इमीडिएटली नई चप्पल खरीदनी पड़ी। पता नहीं क्यों रास्ते में ऐसा पोपट होता रहता है, जब भी वर्किंग पे निकलो और सारा पोपट। यहाँ का पूरा एरिया अभी ट्रांसपोर्ट वालों ने तोड़ा है रोड चौड़ी करने के लिए, पूरा टूटा फूटा पड़ा है बारिश के कारण। रोड की कंडीशन देखो कैसी हो रही है। एक तो वैसे भी इस रोड पे ट्रक निकलते हो, ऊपर से देखो किस तरह तोड़ा है, और बारिश का मौसम है और कितनी गंदगी मचा रखी है, और ऐसे में कैसे रास्ता निकले, बहुत मुश्किल आती है वर्किंग करने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 8:33 और हम लोग अभी यहीं हैं ट्रांसपोर्ट नगर में। देखो कितनी देर में घर पहुंचते हैं। मेरे साइड का सारा एरिया टूटा पड़ा है, कहीं भी कोई नहीं, पूरी लाइन एकदम तोड़ दी है। एक गाइस, मंदिर में दर्शन करने आए थे और बहुत तेज बारिश हो रही है, गंजल को लिया था कोचिंग से। क्या हुआ, नहीं पे मैं बहुत तेज बारिश हो रही है, सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। Bye-bye.
बस तो किन्दे का पोपट हो गया, बारिश हो रही है। और ये अभी हमने कोचिंग क्लासेस से छूट के आई है और पूरा पोपट हो चुका है, खड़ी है एक कुन्ने में इंतजार कर रही है बंद होने का बारिश। वो तो अच्छी रही है बारिश, क्योंकि होना भी चाहिए, बहुत गर्मी हो रही थी, पर थोड़ी देर के लिए ड्रामा किंग एक्टिंग कर रही है बहुत सारी भीगने के लिए, जिससे भीग जाए। बारिश बंद नहीं होती। फाइनली इसके लिए गाड़ी मंगाई है, अब ये गाड़ी में जाएगी। अरे नहीं हुई अभी बंद, भीग जाए। तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से जहाँ हम खड़े थे, बिकॉज बारिश थोड़ी धीरे हो गई थी, धीरे हो गई, अभी भी हो तो रही है। हमने पापा को फ़ोन तो लगाया था बट पापा कहीं काम में बिजी है, इसलिए फिर हमने उनको मना कर दिया, बिकॉज बारिश लो गई थी। हमने सोचा हम ही घर तक पहुँच जाते हैं, थोड़ी थोड़ी ही हो रही है। तो गाइज देखो बारिश हो रही है और मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को नहाने में मज़े आ रहे हैं बारिश में, तो मैं गीली हो रही हूँ। और ये रही मेरी मम्मा। फ्रेंड्स आज है गुरुवार का व्रत, तो उसमें बना है पकोड़े, रबड़ी, दही एंड रसगुल्ला और प्रसाद, क्योंकि गुरुवार है तो आज उसमें यही खाते हैं, पीला और मीठा। हालांकि ये मेरी थाली नहीं है, बच्चों की प्लेट है भोग का उन्हें देने के लिए। इतना सारा फाइनली गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अभी टाइम हुआ है 11:30 और बच्चों का दूध भी बन चुका है। सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइस देखो बारिश हो रही है और मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को नहाने में मज़े आ रहे हैं बारिश में, तो मैं गीली हो रही हूँ। और ये रही मेरी मम्मी।